आप भी अपने पैट को लेकर जाना चाहते हैं फ्लाइट से और प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के अंदर आज सारा प्रोसेस मालूम चलेगा कि आप अपने फ्लाइट से डॉग को कैसे लेकर जा सकते हैं। डोमेस्टिक की बात करेंगे, इंटरनेशनल के प्रोसेस थोड़े अलग होते हैं, उसके बारे में और किसी वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लाइट से अपने डॉग को कैसे लेकर जाए और डोमेस्टिक में कैसे ले जा सकते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक डॉग ट्रांसपोर्टेशन, और हमारी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है पैट शिपिंग सर्विस है गाइज। ऑल ओवर इंडिया में हम बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय कार तक डॉग की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, शिपिंग सर्विस, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पर हम डॉग को भेजते हैं, वहां से मंगवाते हैं, बहुत सारा प्रोसेस है। बहुत सारे हमारे जो काम के हिसाब से रिलेटेड वीडियो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं, डॉग लवर्स हमें बहुत पसंद करते हैं। चलिए आपको ज्यादा टाइम देखिए, सबसे पहले अगर आप अपने पैट को लेकर जाना चाहते हैं तो आपके जो डॉग है, आपका जो पैट है, तो उसकी जो उम्र होनी चाहिए कम से कम भी 90 दिन तक की होनी चाहिए। 3 महीने से जो है बड़ा डॉग होना चाहिए, या 3 महीने का भी होगा लमसम, 2-4 दिन ऊपर नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 3 महीने तक का जो है आपका पैट होना चाहिए, ठीक है। 3 महीने तक का जब आपका पैट हो जाएगा तब आप उसको ले जा सकते हो, एलिजिबल हो जाएगा वो लेकर जाने के लिए कस्टमर। और उसके बाद फिर आपके पैट को एक हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जो डॉक्टर बनाते हैं, वेटनरी बनाते हैं, आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है डॉक्टर से, और डॉक्टर की स्टैंप होनी चाहिए उसके ऊपर, पूरी ओरिजिनल स्टैंप होनी चाहिए, ठीक है, जो लीगल स्टैंप होती है। डॉक्टर जो डॉक्टर के पास अगर आप अपने पैट को लेकर जाओगे तो डॉक्टर आपको जो है स्टैंप लगा कर दे देगा, मेडिकल बनाकर दे देगा, ठीक है जी। ये दो चीजें हो गई। सबसे मेन चीज है कि भाई फाइबर का केज लेकर जाना बहुत जरूरी है एयरपोर्ट पर। फाइबर के केज के अलावा किसी बास्केट में पपी नहीं आता वहां पर, किसी लोहे के केज में पपी नहीं जाता, बास्केट में पपी तो जाता ही नहीं है, फाइबर का केज आता है। आप स्क्रीन पर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, इस टाइप का फाइबर का केज होता है और इसके बहुत सारे साइजेस होते हैं आपके पैट के हिसाब से, जिसमें आपका पैट जो कंफर्टेबल हो जाए वही केज जो है आप लेकर जाए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कहा है इसके, मैं केज के लिंक दे दूंगा, आप जाके डायरेक्टली अमेजोन वगैरह से खरीद सकते हो, ठीक है जी। तो आपके पास फाइबर का केज हो गया, आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका डॉग भी बड़ा है। अब उसके बाद देखिए जी, अगर आप खुद साथ में जा रहे हैं तो आपको क्या चीज, आपके जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका आईडी प्रूफ चाहिए, जिसके पीछे जिसके ऊपर मतलब ये कह लो कि आपका एड्रेस हो, आपका रेसिडेंट एड्रेस होना चाहिए, चाहे तो वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, या आधार कार्ड हो सकता है। तो उसकी एक जेरोक्स कॉपी चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए, साथ में ओरिजिनल भी वो देखते हैं, और जेरोक्स कॉपी भी चाहिए, ठीक है। तो आप उसको साथ में लेकर जाए, तो ये 4 चीजें जब आपके पास होगी तो आपके डॉग को फिर वो वहां पर उसमें केज में जो आप लेकर गए उसमें वो देखेंगे, उसको चेक करेंगे कि हाँ भाई अच्छे से इसमें बैठा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आप पानी वानी डाल दे उसको, अपने पैट को खाना पानी वगैरह पिला दे, उसके बाद फिर वो लोग क्या करते हैं, आपके सामने ही आपके जो डॉग को वेट करवाएंगे, उसका एक तराजू बोल लो या जो भी, लाइक वेट मशीन पे उसका वेट कराएंगे, उसका जो भी वेट होता है। उसके बाद फिर आपका जो वहां पे बिलिंग होगी, बिलिंग भी वही काउंटर पे होती है साथ में, तो वहां पे उसकी जो है बिलिंग हो जाएगी आपके पैट की, जितना भी बिल बनता है उसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से बेंगलोर लेकर जाना चाहते हो तो जितना भी बिल आता है वो आपको बिल कंप्यूटराइज है सारा, वो आपको बिल दे देंगे, ठीक है। तब जो है फिर आपके पैट को कार्गो से जो है वो डिलीवर कर देंगे बेंगलोर में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बेंगलोर का कोई भी आपकी स्टेट हो सकती है, वहां पर किसी भी एयरपोर्ट पे जहाँ पे आपने बुक कराया, तो कार्गो से वहां पर चला जाएगा, तो जो रिसीवर है वो अपनी आईडी दिखाकर वहां से रिसीव कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई खुद लेकर जाने की। देखिए जो एयरलाइंस के रूल्स है वो है कि आप अपने पैट को जब ले जा सकते हो, अपने साथ में बिठा कर ले जा सकते हो, तो आपके पैट की जो वेट है उसका वजन है 5 किलो का होना चाहिए। अब 5 किलो का तो पैट आपका नहीं होगा, इतना तो पक्का पता है हमें भी कि भाई पैट जो है 5 किलो से ज्यादा का ही होता है, क्योंकि खाना पीना भी खिलाता है इंसान अपने पैट को, तो हैवी तंदुरुस्त पैट होता है, 5 किलो से तो कम का पैट होता ही नहीं है। पर एयरलाइन वाले कहते हैं भाई 5 किलो तक का पैट लेके जाना चाहिए, ऐसा क्यों वो हमें भी नहीं पता पूरा। और फिर उसके बाद जैसे मान के चलिए कि अगर आप कोई और रिसीव करने वाला है, आप सेंडर हो वो रिसीवर है, आप भेजने वाले हो वो रिसीव करने वाला है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में सारा प्रोसेस सेम रहने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, डॉक्यूमेंट भी वही लगेंगे, सब चीज वही लगेगी, बस डॉक्यूमेंट चेंज हो गए तो रिसीवर के चेंज होएंगे, ठीक है जी। जो रिसीवर है
उसकी फिर यहाँ पे आइडिया लगेगी जो रिसीव करने जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, पैन कार्ड के अलावा आधार कार्ड लग सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस लग सकता है, और फिर उसका वोटर आईडी कार्ड लग सकता है, ठीक है। तो फिर जब जो रिसीव करने जाएंगे उनका मेन ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद लमसम फ्लाइट में बहुत जल्दी जो है पैक चला जाता है। और फ्लाइट में पग डॉग और बुल डॉग क्यों नहीं जाते, ये मैं बनाऊंगा अगली वीडियो में। इसके बारे में आप जान लेना कि फ्लाइट से जो है पग और बुल डॉग को बैन क्यों किया हुआ है सभी एयरलाइंस ने, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इंफॉर्मेटिव लगी हो, जिससे आपको कुछ समझ आ सके कि मैंने आपको जो कुछ बताया, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को बार बार देख लो, आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी आपके फ्रेंड वगैरह ने पैट ट्रांसपोर्ट कराना तो आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अभिषेक ब्रोक ट्रांसपोर्टेशन, ऑल ओवर इंडिया हमारी सर्विस है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियो में बनाता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।